इस वक्त की बड़ी और अहम खबर उत्तर प्रदेश के सरपद पीलीभीत से है। पीलीभीत पर जितिन प्रसाद की जीत का रास्ता हुआ साफ। हेमराज वर्मा भी नहीं लड़ेंगे चुनाव। हेमराज वर्मा बोले, पार्टी का हूँ सच्चा सिपाही। प्रबल दावेदारों का लगातार हो रहा हृदय परिवर्तन है। हृदय परिवर्तन की वजह पार्टी के प्रति सच्ची श्रद्धा या कोई बना है दबाव। इस वक्त की बड़ी जानकारी यूपी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाने का काम कर रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत में सियासत सातवें आसमान पर है, क्योंकि वरुण गांधी के टिकट को लेकर जहां पीलीभीत लगातार लोकसभा में सुर्खियां बटोर रहा था, तो वही दूसरी तरफ अब लगातार प्रबल दावेदारों के हृदय परिवर्तन की वजह से पीलीभीत सुर्खियां बना हुआ है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने जितिन प्रसाद को अपना कैंडिडेट बनाया है, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि वरुण गांधी अब निर्दलीय दावेदारी कर सकते हैं। ये पूरी उम्मीद भी थी और वरुण गांधी ने निर्दलीय पर्चा भी खरीद दिया था, लेकिन सूत्रों की माने कि अब वरुण गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे, उन्होंने अपना हृदय परिवर्तन कर लिया। इसी के साथ हेमराज वर्मा पर भी काफ़ी कयास लगाए जा रहे थे। अंदर ही अंदर सुगबुगाहट चल रही थी कि किसी पल हेमराज वर्मा ये औपचारिक घोषणा कर सकते हैं कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन देखते ही देखते हेमराज वर्मा का भी हृदय परिवर्तन हो गया और हेमराज वर्मा चुनाव लड़ने की जगह खुद को सच्चा सिपाही भी बताने लगे। आपको बता दें, लगातार प्रबल दावेदारों के हृदय परिवर्तन की वजह आखिर क्या है? क्या पार्टी के प्रति सच्ची श्रद्धा है या कोई दबाव बना हुआ है? फिलहाल आपको बता दें, हेमराज वर्मा का चुनाव न लड़ना, वरुण गांधी का मैदान में न उतरना अपने आप में सीधे तौर पर जितिन प्रसाद की जीत का रास्ता साफ कर देती है। आपको बता दें, शाहजहांपुर से चली सियासत अब पीलीभीत में आ ठहरी है और पीलीभीत में भी किले को फतेह करने वाली है, क्योंकि जीत का रास्ता सीधे तौर पर साफ हो चुका है।